हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के। अब एक्सेल में देख सकते हैं, यहां पर एक आपको नाम आपको दिखाई पड़ रहा होगा, नेम लिखा हुआ है और उस जो कॉलम है उसके अंदर बहुत सारे नाम लिखे गए हैं, जैसे अमित लिखा गया है। अब ये अमित का आई जो है कैपिटल हो गया है। अब देखिए यहाँ पे सूरज लिखा गया, सूरज का आर जो है कैपिटल हो गया, जो कि प्रॉपर नहीं है। युवराज में आर कैपिटल हो गया है, कुंदन में एन कैपिटल हो गया है। इस तरह की पूरी सीरीज आपको मिल जाती है एक कॉलम की, ठीक है। यहाँ पर तो नीचे और नहीं दिया गया है, लेकिन मान लीजिए नीचे और भी लिख दिया जाए ऐसे, तो इसको कैसे सही करेंगे, ये सवाल है। और इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं एक एक करके लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ये अमित हो गया, फिर ये सूरज हो गया। तो ये अगर आपके पास 8-10 रिकॉर्ड है तो आप लिख पाएंगे, लेकिन यही रिकॉर्ड अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो आप नहीं लिख सकते। कितना लिखेंगे, फिर बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा ये और आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका जो है किस तरीके से हम निस्तारण करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको इक्वल्स टू लगाना है, और इक्वल्स टू लगाने के बाद एक ट्रिम नाम का फॉर्मूला होता है जो एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाता है, उसे आप लगा लीजिएगा। तो ये लगा लिया, अब क्या करना है, यहां पर आपको एक और फॉर्मूला यूज करना है जिसका नाम है प्रॉपर। तो यहां पर पी आर ओ पी आर प्रॉपर लगाइएगा, ठीक है, पी आर ओ पी आर। तो यहाँ देखिए प्रॉपर नाम का फॉर्मूला आ जाता है, यहाँ पे प्रॉप आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है और प्रॉपर आ रहा है, तो इसे लगा लीजिएगा। और यहाँ पर अमित को सेलेक्ट करके ब्रैकेट को दोनों क्लोज कीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। तो देखिए अमित जो है बिल्कुल प्रॉपर वे में आ चुका है। अब नीचे अगर आप इसे ड्रैग कर देंगे तो सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर रहेगा, लेकिन रुकिए इस तरीके से आपको करना है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपने कुछ लिखा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा आपने ईशा, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये ई एस एच ए, तो ये लिख दिया। लेकिन अभी जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे ईशा प्रॉपर केस में आ जाएगा, एकदम बिल्कुल प्रॉपर केस में। अब देखिए यहाँ पर लिखना है हमें लोकेश, तो देखिए लोकेश और एस जो है स्मॉल हो गया, बाकी इधर कैपिटल रहा, तो यहाँ पर लोकेश जो है ऑटोमेटिक जो है एडजस्ट कर जाएगा प्रॉपर केस में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।